भाई का नाम है सौरभ उबाना। भाई आप डांस कैसे कर लेते हो इतना खतरनाक, कुछ बताओ यार। यार कुछ नहीं, मम्मी का दूध है बचपन का पिलाया हुआ बस। This is Pradeep Sharma and you are watching my YouTube channel videographic. I hope you guys are absolutely fine and doing so well in your life. So right now I am in Ajmer. So main mere friend ke ghar par hu. Mera printer kar raha hai. Mera friend jisko aap bahut acche se jante hain aur mere last vlogs mein bhi aaya hai. Aur aaj ka jo vlog hoga wo iPhone 10X sir aur Hero GoPro 5 se banega. तो वीडियो क्वालिटी में अगर आपको कुछ चेंजेस लगते हैं, कुछ अच्छा लगता है या कुछ बुरा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अंकुश थोड़ा सा कैमरे के सामने आने में शर्माता है तो फाइनली अब हम अंकुश को सामने लाते हैं कैमरे के। 1 2 3 सो अंकुश से हेलो। हेलो, ये बात अंकुश का हेलो करने का तरीका, अंकुश का स्टाइल ही अलग है। अब धीरे धीरे आप लोग अंकुश को जानने लगे हो तो इन फ्यूचर अंकुश ब्लॉग में आता जाएगा आता जाएगा। हम यहाँ से निकल रहे हैं ऑटो एक्सपो के लिए। इस ब्लॉग में मैंने जो एक क्लिप डाली है पार्टी के अंदर, जो बंदा डांस कर रहा है उस बंदे से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ, उसको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये भाई अपना बहुत खतरनाक है। भाई भाई का नाम है सौरभ उबाना। भाई आप डांस कैसे कर लेते हो इतना खतरनाक, कुछ बताओ यार। यार कुछ नहीं, मम्मी का दूध है बचपन का पिलाया हुआ बस। तो भाई अजमेर एक ऐसी सिटी है वाकई में जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप सुबह जिस बंदे से मिले हो शाम में उस बंदे से फिर से मिल सकते हो। तो भाई हमारा सौरभ जो है बहुत बड़ी सिटी है, कहीं भी सब कोई ना कोई रिश्तेदार निकल ही जाता है यहाँ पे घूम फिर के, कहीं ना कहीं तुम मिलोगे ये श्योर है। तो भाई हमारा बहुत अच्छा डांसर है, आपने देख ही लिया है। और पार्टी कैसी रही थी भाई कल की? रॉक मैन रॉक, और भैया हमारे मस्त ब्लॉगर है भाई, इनका चैनल सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। और यश माइकल को भाई हैप्पी बर्थडे वंस अगेन रिलेटेड हमारी तरफ से। फाइनली हम वहां पहुंच चुके हैं जहां से ऑटो एक्सपो शुरू होता है। सिटी स्क्वायर मॉल है इस मॉल का नाम, एंड यहां से मैं आपको दिखाना चालू करूंगा कि क्या हमारे पास कुछ अलग है, क्या हमारे पास कुछ ऑटो एक्सपो में स्पेशल आया हुआ है।
पर्टिकुलर बाइक के बारे में तो मैं जितना कहना चाहूँ उतना कम है। ये तो शान रही है एक समय की, लाइक आई एम अ 90s किड एंड आई नो वेरी वेल कि इस गाड़ी की वैल्यू उस टाइम पे क्या होती थी। उस टाइम की ये स्पोर्ट्स बाइक हुआ करती थी। सो दिस बाइक इज द रॉयल एनफील्ड क्रूसेडर आई थिंक, एंड बहुत पुराना एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये। इन सारी गाड़ियों की जो एक खास बात है, जितने भी पुरानी गाड़ियां हैं, लाइक दिस वन इज द नॉर्टन एंड दिस वन इज फ्रॉम द BSA, एंड इन गाड़ियों की जो एक खास बात है वो है इनकी लंबाई। एंड आई नोटिस बाद में इस गाड़ी को, जो आजकल की स्पोर्ट्स बाइक के अंदर एकदम उनका मीटर साइड में आता है, वो कुछ है, अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि इन लोगों ने ये लगा रखा है। सो मुझे वीडियो का कवरेज यहीं से करना पड़ रहा है। सो जो सबसे बड़ी इस बाइक का कुछ यूनिकनेस है वो आप देखेंगे कि इसमें शॉकर ही नहीं है यार, इसमें शॉकर कहीं प्लेस ही नहीं है क्योंकि इन पे सीटों में साइकिलों की तरह शॉकर दे रखे हैं सीट्स में। और फ्रंट में अगर हम देखेंगे तो फ्रंट में कोई सस्पेंशन नहीं है सिवाय इसके, इधर अगर आपको ये दिखता हो तो इसमें ये बीच में। सो पहले की बाइक्स में शॉकर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, सस्पेंशन जैसा कुछ नहीं होता था। ये अबाउट दिस बाइक तो आपको बस एक ही चीज़ याद आता होगा, अनिल कपूर या पुराने जितने भी एक्ट्रेस थे वो इस गाड़ी को स्टंट्स वगैरह में यूज़ किया करते थे। कोशिश कर रहा हूँ मतलब वॉइस क्लियर रहे, बट फिर भी आसपास काफ़ी नॉइज़ है बिकॉज ऑटो एक्सपो है, तो ऑफकोर्स एंकर लगा हुआ है पूरा जोर से। जैसे कि सुजुकी जिक्सर है 250, KTM, RC, और मैं इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज ये बहुत कॉमन बाइक्स हैं और मैं इन चीज़ों पे फोकस नहीं करूँगा। दिस बाइक आई हैव अ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैं बहुत ही एक्सपर्ट बंदे से पूछने जा रहा हूँ जो कि अपना अंकुश है। अंकुश इधर आ यार भाई, तेरे से बहुत एक्सपर्ट क्वेश्चन पूछना है। भाई तूने एक चीज नोटिस करी होगी कि जितनी भी इंडियंस गाड़ियां होती हैं, बाइक होती हैं या कार्स होती हैं, और ये जैसा कि तू देख रहा है ये बहुत महंगी बाइक है मेरे भाई, तो इस बाइक के अंदर इतना ज्यादा क्रोम का क्यों यूज किया गया है? मतलब कोई भी गाड़ी हो यार, बाइक हो कार हो, क्यों यूज किया जाता है कुछ बताएगा भाई? बेटर लुक्स के लिए। हाँ काइंड ऑफ ही सेइंग राइट दैट, मैंने एक चीज नोटिस करी है, वी इंडियंस लाइक शाइनी थिंग्स, मतलब क्रोम एक ऐसी चीज है जो इंडियंस को बहुत लुभाती है, और इस बाइक के अंदर क्रोम की कहीं भी कमी नहीं है। गाड़ी के जो हैं इंडिकेटर हैं इतनी बड़ी गाड़ी पर, उस समय की शायद ये ट्रैवलर कह सकते हैं, हम यहाँ इनोवा कहेंगे। बारीकी से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, इसमें कोई काम नहीं कर रखा है डिज़ाइनिंग पर, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है और बहुत क्लासी लग रही है यार। एंड लाइफ में कभी कोई ऐसा मौका मिलता है जब आपको ये ऐसी कोई गाड़ी लेने का मौका मिलता है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बस मैं इतना समझता हूँ।
बात बता, इन गाड़ियों को मुझे सब समझ में आया, लेकिन ये इतने छोटे छोटे इंडिकेटर क्यों दिए हुए भाई? मतलब इतनी बड़ी गाड़ी पे इतने छोटे इंडिकेटर, इतनी तवज्जो भी दे देता ना तवज्जो बोले तो मतलब इज्जत, इम्पोर्टेंस। यूजुअली कुछ इस तरीके के ट्रक आपको आर्मी के अंदर देखने को मिल जाएंगे, बहुत कॉमन होते हैं वहां पर। सो हमारे निशान वाले भैया ने अंकुश को लपेट लिया है और अंकुश को जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, नहीं चाहते हुए हमारा अंकुश गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। दीज आर सम फनी थिंग्स जो लाइफ में होती रहती है। बेचारा अंकुश हमारा बेचारा। सो अभी जो मैं बैठा हूँ टाटा हैरियर में बैठा हूँ, अपना भाई है जो टाटा हैरियर के अंदर पहले से वर्क कर रहा है, तो अपने को थोड़े से एडवांटेजेस मिल रहे हैं ऑटो एक्सपो में अजमेर के। कुछ रीजन ये भी है कि अपने पलाज जैसे हमारे मेरे भाई हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। टाटा हैरियर के बारे में बताऊंगा, उतना डिटेल रिव्यू नहीं दूंगा ऑफकोर्स, क्योंकि ये रिव्यू वीडियो नहीं है पर्टिकुलर टाटा के बारे में, लेकिन हाँ इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं जो इस गाड़ी को यूनिक बनाते हैं बाकी गाड़ियों से, उसके बारे में मैं आपको इसके जो गाड़ी है इसमें जो भी वर्क है जो भी नई चीज आपको देखने मिली सारा लैंड रोवर से लिया गया है। और इसके अंदर आपको अलग अलग ड्राइविंग मोड्स, अलग अलग टेरेस मोड जो आपकी ड्राइविंग को बहुत ही बेहतर एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है। अच्छा, इंफोटेनमेंट सिस्टम ठीक है जो कि दिया गया है JBL से। JBL से ओके, तो इसके साउंड में बहुत कुछ अच्छे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे साउंड सुनाएगा मेरे भाई? बिल्कुल सुनाएंगे। गाड़ी कोई सी भी हो, गाड़ी में पीछे बैठने के बाद भाई बॉस वाली फील आती है। अभी फिलहाल अंकुश जी हमारे बॉस वाली फील ले रहे हैं भाई गाड़ी में, यस कर रहा है भाई। तो हम कार्स की बात करें और ऑडी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ऑडी की केवल एक ही गाड़ी है, अनलकीली मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था ऑडी से इधर ऑटो एक्सपो में, बट स्टिल ठीक है, ऑडी की ओनली Q3 है। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था कमेंट सेक्शन में बताएं या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड अंकुश का एक्सपीरियंस कैसा था ये तो बस अंकुश ही बता सकता है, तो अंकुश से पूछते हैं। अच्छा अभी बता, तेरे को ऑटो एक्सपो कैसा लगा? कुछ नया था अजमेर के लोगों के लिए। अजमेर के लोगों के लिए राइट, बिकॉज मैंने और अंकुश ने भी हमने दिल्ली और जयपुर के ऑटो एक्सपो देख रखे हैं, तो हमारे लिए एज सच उतना बड़ा वीक नहीं था, लेकिन हाँ अजमेर के हिसाब से हमारे लिए जैसा भी था दैट वाज गुड, इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव। एंड सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। कमेंट डाउन बिलो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द यूट्यूब वाली घंटी एज वेल। कुछ कैची सा और प्रीमियम सा कैची वर्ड हमें अंकुश ने सजेस्ट किया।